ये देखिए, आप किसी के लिए भी कहते हैं कि आपकी जाति का पता नहीं है, ये क्या शब्द है? चलिए, पहले मंत्री थे तो गोली मारते थे, अब गोली से गाली पे आ गए हैं, कुछ तो फर्क पड़ा है। मंत्री पद तो गंवा ही चुके हैं, आगे आगे देखिए सांसद भी गंवाएंगे अगर ऐसे चलेंगे। और इनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को बहुत भारी हार का आप सामना करने पड़ेगा, क्योंकि इस देश में इस तरह की भाषा इस देश को पसंद नहीं आती, इस तरह की सोच इस देश की तासीर में नहीं है। आपको लगता है कि दिक्कत किस बात से, कास्ट सेंसस की अगर आप लोग बात, उनको दिक्कत गांधी परिवार से है, उनको दिक्कत कांग्रेस पार्टी से है, उनको दिक्कत इस देश की जो समावेशी विचारधारा है उससे इनको दिक्कत है। और ये आज की दिक्कत नहीं है, ये तो 1925 से, जब से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बना है तब से ये दिक्कत है। हम लड़ने को तैयार हैं। राहुल गांधी की जात जानना चाहते हैं तो उस आदमी की, उस परिवार की जात है शहादत। लोग लगातार कह रहे हैं कि आप लोग कास्ट सेंसस की बात करते हैं, गुमराह करने की आप लोग जनता, इसमें गुमराह की क्या बात है? क्यों नहीं होना चाहिए कास्ट सेंसस? जब हमें ये मालूम ही नहीं होगा कि किस वर्ग के कितने लोग हैं, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उनकी सामाजिक स्थिति कैसी है, तो हम नीतियां कैसे बनाएंगे? नीतियां बनाने के लिए आवश्यक है, ये जानना आवश्यक है कितने, कल को तो आप कहेंगे कि जेंडर बेस्ड भी सेंसस नहीं होना चाहिए, कितनी महिलाएं हैं ये जानने की जरूरत नहीं है। क्यों क्यों नहीं है? कितनी कौन सी जाति के लोग हैं? क्योंकि जातिगत जनगणना से आपको ना केवल वो पहला कदम, उसके बाद दूसरा कदम भी है, आर्थिक और सामाजिक उनकी क्या स्थिति है उस पर भी एक सेंसस होना चाहिए ताकि नीतियां बना सकें।